कबूतर बिल्कुल भी बीमार नहीं होगा इस तरीके से चावल खिलाऊंगा। कच्चे चावल होते ना, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कच्चे चावल। कमेंट आए कि भाई वे बोल रहे थे कि भाईयो कबूतर भाई कबूतर को चावल ना खिलाया करें, भाई कबूतर बीमार हो जाते हैं। चावल है भाई, ये कच्चे चावल देख रहे हो ना भाई, उबले हुए नहीं है, फूले हुए नहीं है, पानी में नहीं है, कैसे भी नहीं है, कच्चे चावल है। एक दो कबूतर भाग भी गए हैं जैसे कि पट्टे, पता नहीं भाग। हेलो व्हाट्सअप गाइस, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आपके अपने चैनल हर्ष प्रेजेंट इसमें एक बार फिर से स्वागत है। गाइस आज का टॉपिक थंबनेल सभी भाइयों ने देख ही लिया होगा, किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं, किस टॉपिक पर नहीं। तो हमारे भाइयों की शिकायत रहती है और हमारे एक भाई की कमेंट भी आई थी, भाई सबसे पहले वीडियो डाली थी ना मैंने कि भाई कबूतरों को आज चावल खिलाएंगे। भाई अब से पहले वीडियो भी बनाई थी हमने, उस वीडियो में चावल खिला रहे थे कबूतरों को। तो हमारे भाइयों के कुछ कमेंट आए कि भाई वे बोल रहे थे कि भाइयों कबूतर भाई कबूतर को चावल ना खिलाया करें, भाई कबूतर बीमार हो जाते हैं। भाइयों मेरे भाइयों, आज मैं बताऊंगा आपको कबूतर बीमार होते कैसे हैं। जैसे कि रोज कबूतरों को हम चावल खिलाते हैं, रोज कबूतर को चावल खिलाते हैं भाई तो बीमार होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कभी खिला दिए। और भाई हम आपको बता देना कि किस तरीके से चावल खिलाएं कबूतर बीमार ना हो बिल्कुल भी। भाई हम आपको इस तरीके से बताएंगे ना कि इस तरीके से चावल खिलाओ कबूतरों को और कबूतर बिल्कुल भी बीमार नहीं होने का। जिसे कहते हैं ना भाई, देख रहे हो ना ये सारे कबूतर हमारे खुले रहते हैं, जब देखो मतलब दो चार दिन तक खोलने लग गए। और भाई हमारे एक दो कबूतर भाग भी गए हैं जैसे कि पट्टे, पता नहीं भाग गए, पकड़ लिया आस पास वालों ने, कुछ नहीं कह सकते। तो कोई नहीं, चलो ये तो होता रहता है अपनी लाइफ में, अपने कबूतरों के साथ भी आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई मैं आपको अपने टॉपिक पर आता हूँ, किस तरीके से कबूतर को चावल खिलाएं ताकि वो बीमार ना हो। भाई कबूतर बिल्कुल भी बीमार नहीं होगा इस तरीके से चावल खिलवाऊंगा, मतलब इस तरीके से करने हैं उनको और इस तरीके से खिलाने हैं ताकि बिल्कुल कबूतर बीमार ना हो। और भाई ऐसे कच्चे चावल होते ना, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कच्चे चावल, कच्चे चावल के लिए कबूतर बहुत जल्दी आता है, देख रहा हूँ ना भाई कबूतर कितनी जल्दी आता कच्चा चावल खाना। भाई इस तरीके से चावल वावल ना खिलाया करें, इस तरीके से चावल खिलाओगे ना भाई कबूतर बीमार होना ही होना है। जैसे इस तरीके से खिलाओगे, भाई कच्चे चावल है भाई, ये कच्चे चावल देख रहे हो ना भाई, उबले हुए नहीं है, फूले हुए नहीं है, पानी में नहीं है, कैसे भी नहीं है, कच्चे चावल है, मत खिलाया करो ऐसे। तो भाई नया तरीका बताऊँ ना मैं आपको, भाई कबूतर जो हम खाते हैं ना, जैसे उबाल के खाते हैं ना कबूतरों के लिए, जैसे पानी में उबाल लिए हमने, पानी में उबाल कर जब मतलब कि खाते हैं ना, जैसे फूल जाते हैं पके हुए चावल, भाई उस तरीके से कबूतर को चावल खिलाओगे ना बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। इस तरीके से खिलाओगे तो भाई कबूतर बीमार होना ही होना है। तो भाई प्लीज़ इस तरीके से ना खिलाया करें, हम अपने कबूतर को इस तरीके से बहुत कम खिलाते हैं। वो तो आज वीडियो बनानी थी इस वजह से मेरे को दिखाना पड़ा, जैसा कि देख सकते हैं ना गाइस कबूतर चावल खा रहा है एकदम मस्त और बढ़िया तरीके से। भाई सारे कबूतर खाने लग जाते हैं क्योंकि छोटा दाना है ना, इसलिए तो देख रहे हो ना कि किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से खा रहे कबूतर चावल दाना। तो इस तरीके से ध्यान रखें भाई, इस तरीके से चावल ना खिलाया करें क्योंकि कबूतर बीमार होता है। भाई कबूतरों को उबाल कर, और वो मिर्ची वाले चावल होते हैं ना भाई, मिर्च वाले चावल आपने देखे हो जिसमें नमक मिर्च वगैरह डालते हैं, भाई इस तरीके से कबूतरों को दाना खिलाते हैं, भाई वो खिलाना कबूतरों का हाजमा भी होता है, अच्छे रहते हैं कबूतर एकदम बढ़िया, उनका जायका मतलब जो रहता है कि बोलते हैं। देख रहा हूँ भाई कबूतर का पट्टा क्या बैठा, खाने की इच्छा है पर खा नहीं रहा भाई, क्योंकि इनने पानी पी लिया बहुत सारा, और पानी पीने के बाद कबूतर की कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, तो इस वजह से पट्टा शांत बैठा है। तो गाइस यही थी हमारी छोटी सी वीडियो, और आपको हम कबूतर दिखाते हैं अपने अंदर से, भाई कबूतर दिखाऊंगा ना अपने अंदर से, भाई हमारे अंडे वाले बच्चे भी निकल गए हैं और कबूतर बैठे हुए हैं मस्त एकदम, जाल वाल दिखा दो भाई। और हमारे कुछ नए कबूतर आए हैं जैसे कि देख रहे हो ना, एक कलपोटिया नया कबूतर, एक दो कबूतर और लेकर आए हैं, भाई नेक्स्ट वीडियो में उन कबूतरों का शौक करवाएंगे आपको। तो जो भाई हमारा इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई बेल आइकन को ऑन कर लें, जिस भाई ने अभी तक हमारी बेल आइकन ऑन ना करी हो। जैसे कि देख रहे हो ना हमारा काला पट्टा भी बैठा है सामने, नया वाला पट्टा, भाई कुछ नए कबूतर लाए हैं, अभी शौक करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहे, जब भाई वीडियो को नहीं देखता भाई वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।